Hi guys, welcome your favorite YouTube channel Facial Care on Self। आज मैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए फिर से एक रिक्वेस्टेड वीडियो लाई हूँ। ये रिक्वेस्ट बहुत दिन से मेरे पास पड़ा हुआ था, क्योंकि ये जो रिक्वेस्ट है ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये तिल और मस्से को हटाने के लिए है। तो इसके लिए मुझे काफ़ी सारा रिसर्च करना पड़ा, फिर मैं ये वीडियो लाई हूँ। मैं ऐसा एक वीडियो बना के दिखाना चाह रही थी जो काम में आए। ज़्यादातर मस्सा और तिल का प्रॉब्लम से राहत पाना बहुत मुश्किल रहता है, तो इसके वजह से मुझे थोड़ा लेट हो गया इस वीडियो को बनाने के लिए, इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। तो चलिए आज मैं जो टिप्स दिखाऊंगी इसको अप्लाई करने से आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। हम लोगों के स्किन में बहुत सारा लेयर रहता है, उनमें से जो तिल जन्म से हो रहता है वो स्किन का बहुत अंदर का लेयर तक फैला हुआ रहता है, और जो नया तिल बनता है वो फर्स्ट लेयर में ही आता है। इसीलिए जन्म से रहने वाला तिल को हटाने से ज़्यादा जो नया तिल होता है उसको रिमूव करना आसान पड़ता है। फिर भी फ्रेंड्स आप इस टिप्स को अप्लाई करेंगे तो पुराने से पुराना तिल भी आपका रिमूव हो सकता है, और इसको आप रेगुलरली कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो आप मस्से को या तिल को एकदम जड़ से मिटा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अभी देख लेते हैं इसके लिए आपको क्या क्या लेना है। इसके लिए पहले ही तो मैं ले रही हूँ एप्पल साइडर विनीगर। एप्पल साइडर विनीगर फ्रेंड्स बहुत अच्छा रहता है तिल और मस्से के लिए। एप्पल साइडर विनीगर में बहुत सारा एसिडिक प्रॉपर्टीज रहता है जो कोई भी दाग धब्बे को मिटाने के लिए हेल्प करता है। और इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग सोडा। ये भी फ्रेंड्स कोई भी दाग धब्बे को रिमूव करने के लिए बहुत हेल्प करता है, ये स्किन के लिए अच्छा है। और इसके साथ मैं ऐड करूँगी पोटैटो का जूस को। पोटैटो जूस भी बहुत अच्छा रहता है कोई भी दाग धब्बे को रिमूव करने के लिए। ये तीनों ही फ्रेंड्स आपका स्किन का मिनरल को कम करने के लिए हेल्प करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी मैं इस रेमेडी को बना के दिखाती हूँ, इसको मैं अपने ऊपर ट्राई करके भी दिखाऊंगी। आलू का जूस मुझे इसके लिए लगेगा, तो इसके लिए मैं आलू का छिलका को मैं निकाल के इसको कद्दूकस करके इसका रस निकाल लूँगी। ये मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया है। अभी चलिए फ्रेंड्स मैं इसको बना लेती हूँ। फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने बहुत सारे फ्रेंड के साथ रिलेटिव के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले पाए। तो अभी चलिए मैं इसको बना के दिखाती हूँ। एप्पल साइडर विनीगर आपको लेना है 2 चम्मच, और उसमें आपको आलू का जूस ऐड करना है 1 चम्मच, और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करना है। बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा, बहुत सारे इससे पहले भी मुझे पूछ चुके हैं क्या बेकिंग सोडा क्या है, तो मैं बोल रही हूँ बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा है। आप बेकिंग सोडा के जगह पे भूल से भी बेकिंग पाउडर मत ऐड कीजिए। बेकिंग पाउडर अलग है और बेकिंग सोडा अलग है, दोनों अलग अलग टाइप चीज़ है। तो आपको लेना है बेकिंग सोडा, मैं ये बार बार बोल रही हूँ बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा। और इसको फ्रेंड्स आपको रोज़ बनाना है, यानी डेली बनाने के बाद ही आपको अप्लाई करना है। ये आप स्टोर नहीं कर पाएंगे, इसको स्टोर करने से इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। और मैं इसको अभी अपने हाथ में मेरे एक तिल है उसमें अप्लाई करके दिखाऊंगी। मैं एक बैंडेड ले रही हूँ और थोड़ा कॉटन लेना है आपको, एक बैंडेड और कॉटन इसी से आपको अप्लाई करना है। कॉटन को आपको लिक्विड में डिप कर लेना है और उसके बाद इस कॉटन को बैंडेड के साथ अप्लाई करना है। देखिए मैंने इसको डिप कर लिया है। इसको अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स आपको पहले दिन 2-3 मिनट के लिए इसको अप्लाई करके देखना है क्या ये आपका स्किन में सूट हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि आपकी स्किन सेंसिटिव है तो इससे थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले आप 2-3 मिनट के लिए इसको अप्लाई कीजिए और धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाते रहिए, और उसके बाद से आप सोने के टाइम में बेड टाइम में इसको लगा के पूरा रात भर रख दीजिए। देखिए मेरे यहाँ पे तिल है, ऐसे आपको तिल में इसको अप्लाई करना है बैंडेड के साथ, रुई के डिप करने के बाद ऐसे आपको लगा के रात भर रख देना है, और सुबह उठ के नॉर्मल वाटर से इसको धो लेना है।
और जहाँ पे भी आपका तिल है वहाँ पे अप्लाई करने से पहले उस तिल के चारों तरफ आप भेजलिन लगाने के बाद इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ आपका तिल को ही रिमूव करेगा और साइड का जो स्किन है उसमें ये टच नहीं होगा। तो इसके वजह से आपको पहले तिल को छोड़ के उसके चारों तरफ भेजलिन लगा लेना है, उसके बाद इसको अप्लाई करना है तो आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और इसको आप कंटिन्यू रेगुलरली करते जाइए तो आपको फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिएगा आपका तिल पूरा जड़ से रिमूव हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आगे से मैं जो भी अच्छा अच्छा वीडियो लाऊंगी उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। और सब्सक्राइब करना एकदम ही फ्री है, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ रहा है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।